महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर फाइनली यहाँ आज हमारे बगल में खड़ी है। महिंद्रा ने इसको रिवील कर दिया है। 13 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है रियर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट का। पेट्रोल में जो मैनुअल है और जो डीजल वाला वेरिएंट है उसका, जो रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है मैनुअल का 14 लाख एक्स शोरूम से। बट उसके अलावा इस थार 5 डोर रॉक्स के अंदर महिंद्रा क्या ऑफर कर रहा है, सभी डिटेल्स की बात करते हैं इस वीडियो में। तो फ्रंट डिजाइन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कलर जो खड़ा है हमारे साथ, ये व्हाइट वाला कलर खड़ा है। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन है, रूफ वगैरह इसका ब्लैक है, लेकिन ग्रिल भी आपको इसका व्हाइट देखने को मिलेगा। 6 लैस ग्रिल है एंड यहाँ पे इसमें कैमरा दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है। सेंसर्स भी आप देख सकते हैं फ्रंट में, यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, एक यहाँ इस कोने में, एक यहाँ इस कोने में दिया गया है। हेडलैम्प्स देखेंगे आप, जो आफ्टर मार्केट आप काम करवाते थे थार के अंदर, लेकिन महिंद्रा ने अब इस 5 डोर थार के अंदर ऑलरेडी ये सी शेप LED हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प्स दिए हैं और सी शेप DRL देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ पियानो ब्लैक टच इसमें इधर दिया गया है। ये हिंजेस वगैरह जो 3 डोर में आते थे कुछ उसी तरह के हिंजेस यहाँ पर इस 5 डोर में दिए गए हैं। फ्रंट में जो है कोई ट्विन पीक वाला लोगो नहीं है, लेकिन महिंद्रा की बैजिंग यहाँ पर फ्रंट में कुछ इस तरह से दी गई है। इसके अलावा साइड में आए तो यहाँ पर आप जो टायर का साइज देखेंगे, MRF के ऑल टेरेन वॉन्डर टायर्स दिए गए हैं और टायर का साइज़ जो है 19 इंच 255 सेक्शन के टायर यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर आप क्लैडिंग थ्रूआउट देखेंगे, थार रॉक्स की बैजिंग काफ़ी बोल्ड लेटर्स में साइड में इसके दी गई है। इसके अलावा वो रॉ फील के लिए हिंजेस वगैरह यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जिसको इसका साइड मिरर है यहाँ पर भी थार की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फुट स्टेप वगैरह दिया गया है यहाँ पर, कुछ रबर ग्रिप के लिए भी देखने को मिल रहा है। एंड मेन जो इसका ओवरऑल डायमेंशन बड़ा है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अब ये सेकेंड रो के साथ आती है, थोड़ा बूट बड़ा हो गया है। लेकिन डिज़ाइन को लेकर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। ओपिनियन अभी फिलहाल हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपको डिज़ाइन ओवरऑल कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर सेकेंड रो में दिया गया है। एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हैंडल इसका दिया गया है साइड में ऊपर की तरफ एंड पीछे यहाँ पे 4x4 की बैजिंग है। तो रियर व्हील ड्राइव यानी कि 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शन रहने वाले हैं। और ये जो क्वार्टर ग्लास एरिया भी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैमल डेजर्ट वाली फीलिंग एंड ये थार का आपको यहाँ पे पिक या इमेज देखने को मिल जाएगा। पीछे आते हैं यहाँ पे टेल लैम्प्स भी इसके LED दिए गए हैं। जो इंडिकेटर रिवर्स की लाइट है वहाँ पे हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, बट यहाँ पे टेल लाइट्स आपको LED देखने को मिलती हैं। ये भी सी शेप कुछ इस तरह से दी गई हैं। पीछे स्पेयर टायर है, लेकिन एक और जो चेंज हुआ है वो है अब कैमरा जो है रिवर्स पार्किंग आपको यहाँ देखने को मिलता है। पहले मिलता ही नहीं था, आप बाहर से लगवाते थे, लेकिन अब यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। 2 सेंसर्स पीछे भी, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट हमारे साथ ये खड़ा है एंड पीछे से कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल फील देखने को मिलेगा। एंड जो स्टॉप लाइट है ये भी अब ऊपर की तरफ थोड़ी हो गई है, 3 डोर में थोड़ी यहाँ पे ग्लास एरिया में आती थी, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ इसकी स्टॉप लाइट देखने को मिल रही है। बूट भी दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्ट नंबर, हालांकि महिंद्रा ने अभी इसके बूट साइज़ का नहीं बताया। एंड सेकेंड रो भी डाउन है तो आप देखेंगे किस तरह से स्पेस यहाँ बन रहा है, बट जो ओवरऑल बूट का स्पेस है मुझे लगता है 350-400 लीटर के आसपास है, उसके बीच में कुछ होने वाला है, एग्जैक्ट नंबर अभी फिलहाल नहीं पता है। एंड यहाँ पे पीछे भी आपको हर्मन कार्डन का साउंड सिस्टम यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी ऊपर की तरफ आपको इसमें बूट में देखने को मिल जाएगा। तो मामला कुछ ये है इस थार रॉक्स के ओवरऑल एक्सटीरियर और बूट स्पेस को लेके। चलते हैं पहली कतार में, क्या कैबिन फील है, क्या फीचर्स हैं, फटाफट उनको देखते हैं। अब पहली रो की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडिशन फीचर को लेके यहाँ पे हो गए हैं। एंड इसमें जो है आपको सबसे पहले स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पे डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। मोड आप देखेंगे नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड, तो ये मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। 4 मोड तकरीबन दिए गए हैं, 3 मोड लगा लें आप। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा एंड इसमें एडवेंचर स्टैट्स वगैरह एप्लीकेशंस एंड ये सब फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें मिलता है 360 डिग्री कैमरा एंड कुछ इस तरह से इसका व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर इसको आप 3D वगैरह में भी स्विच कर सकते हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर ये 3D वाला व्यू कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। इस गाड़ी में हालांकि ऑपरेशन मुझे सही लग रहा है जो इसका कैमरा वगैरह का है, 3D कैमरा का है। अब हालांकि थोड़ा अभी हम हॉल के अंदर हैं, लाइटिंग वगैरह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, डार्क है थोड़ा, बट ओवरऑल कैमरा क्वालिटी कैसी है उसकी बाद में बात करेंगे। इसके अलावा जो है नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको AC वेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा क्रोम का फिनिश दिया गया है, पियानो ब्लैक एलिमेंट है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। एंड फ्रंट रो के जो ड्राइवर और पैसेंजर हैं वहाँ पर आपको दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट और ये इलेक्ट्रॉनिक
डिफरेंशियल लॉक को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए यहाँ पे इसमें एक बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2 हाई 4 हाई 4 लो के लिए, न्यूट्रल के लिए आपको यहाँ पे अलग से नॉब देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, चाबी पहले जैसी है, कोई चेंज चाबी को लेकर नहीं है, दो कप होल्डर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको यूएसबी सी चार्जिंग पॉइंट, यूएसबी ए चार्जिंग पॉइंट और वायरलेस चार्जिंग का स्पेस भी दिया गया है। ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे लेदर स्टिच वगैरह देखने को मिल रहा है, मटेरियल का भी इस्तेमाल अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फील थोड़ी अंदर बैठने की बात आ रही है। एंड यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी देख लेते हैं एक बार, तो आई थिंक ग्लव बॉक्स भी जो है कूल्ड दिया गया है, बहुत बड़ा साइज नहीं है बट ठीक ठाक स्पेस है, बट ये कुछ मामला यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है कोफिल्ड सीट्स हैं, अभी फिलहाल ये बेज कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, एंड एक जो मेजर एडिशन हुआ है वो है इसकी पैनारोमिक सनरूफ को लेकर। आई थिंक इतना बड़ा सनरूफ मुझे लगता है कि सेगमेंट में या कहें कि इसके साइज़ की जो गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर इतना बड़ा सनरूफ मैंने आज तक नहीं देखा है, बट ये कुछ साइज़ यहाँ पर इसकी महिंद्रा थार रॉक्स की सनरूफ के अंदर देखने को मिल रहा है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर स्टिच मिल रहा है, ट्विन पीक महिंद्रा का लोगो है, पियानो फिनिश, यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है, एंड यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट, आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा, वॉइस कमांड, सोर्स चेंज करने का ऑप्शन, एंड राइट साइड में है तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ड्राइवर असिस्टेंस के ऑप्शन हैं, इसके अलावा जो है डिस्प्ले लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इसके ADAS वाले फीचर्स जो आप एक्सेस कर सकते हैं, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अभी देख रहे हैं आप वहाँ पे डार्क में थोड़ा है, आई थिंक वो अभी ऑफ करा हुआ है या नहीं है, जो भी गाड़ी जब एंगेज होगी तब वो आएगा, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट एंड ट्रैफिक साइन रिकग्निशन वगैरह जैसे ADAS फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर इसके राइट साइड में भी आप देख सकते हैं। तो मामला इसका पूरा ओवरऑल जो है टेक को लेकर काफ़ी आगे चला गया है, ये आपको थार्ड थ्री डोर वगैरह में नहीं मिलते, और ये जो क्लस्टर है डिजिटल जो क्लस्टर है ये आपको आई थिंक स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलता, बट यहाँ पर इस फाइव डोर थार में महिंद्रा दे रही है। सो ओवरऑल मामला कुछ ये है इसकी पहली कतार का, यहाँ पर भी ओवरऑल ड्यूअल टोन फिनिश, यहाँ पर लेदर स्टिच वगैरह देख रहे हैं, एंड ट्विटर्स वगैरह हमर कनेक्ट साउंड सिस्टम यहाँ पर भी, यहाँ पे आपको ट्विटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ ओवरऑल फील इसके फ्रंट कतार में इस थार फाइव डोर के अंदर देखने को मिल रही है, पीछे कैसा स्पेस है, किस तरह के फीचर्स वहाँ पे हैं फटाफट वो भी देखते हैं। सो दूसरी कतार जो सबसे बड़ा एडिशन है इसमें, इसकी सेकंड रो है फाइव डोर हुई है, तो यहाँ पे स्पेस की बात करूँ तो स्पेस मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक अच्छा खासा मिल रहा है, एंड सीट को जो है रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन है, कुछ इस एंगल तक आप सीट को ले जा सकते हैं, 40-60 स्पीड के साथ यहाँ पे सीट दी गई है, एंड सेंटर में जो है यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह, यूएसबी सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको कुछ फ़ोन रखने के स्लॉट्स भी दिए गए हैं अलग से, ये पॉकेट वगैरह दी गई है, तो ये कुछ मामला सेकंड रो का आपको इस तरह से देखने को मिलने वाला है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, सेंटर में एडजस्टेबल वगैरह नहीं है, कुछ फिक्स हेडरेस्ट है, बट फ्रंट रो और जो सेकेंड रो के दो लोगों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। सो ये कुछ ओवरऑल मामला है, एंड इसकी जो सनरूफ का नज़ारा है यहाँ से वाकई में देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, अभी फिलहाल हॉल के अंदर है उतना बेहतर नहीं लग रहा, बट अगर आप अच्छी जगह पर हैं तो मुझे लगता है ये सनरूफ का साइज आपको काफ़ी सही लगने वाला है। खोल के भी एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे बटन दिया गया है आगे, सो कुछ इस तरह से यहाँ पे इतनी ये खुल जाती है, तो आप साइज देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कहेंगे स्पेस इन टर्म्स ऑफ सनरूफ देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ नज़ारा यहाँ पे इसकी सेकंड कतार में बैठने के बाद आपको सनरूफ में देखने को मिलेगा, एंड पावर विंडोज़ वगैरह सेकंड रो में भी इसकी देखने को मिल रही हैं, अभी फिलहाल आगे से लॉक लगा हुआ है विंडोज़ का, बट स्टिल यहाँ पे बटन वगैरह दिए गए हैं इस थार फाइव डोर रॉक के अंदर। तो ये कुछ मोटे मोटे या क्विक वॉक अराउंड हमने आपको इस थार रॉक्स फाइव डोर का दिखाया। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 13 लाख से रियर व्हील ड्राइव पेट्रोल मैनुअल का, और डीजल का स्टार्ट हो रहा है 14 लाख से रियर व्हील ड्राइव मैनुअल के अंदर। तो ये कुछ ओवरऑल डिटेल्स हैं इस गाड़ी को लेकर, व्हाट डू थिंक अबाउट दी थार रॉक्स, किस तरह की गाड़ी लग रही है ओवरऑल, एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा लग रहा है, कैबिन कैसा लग रहा है, फीचर्स कैसे लग रहे हैं, सनरूफ कैसे लग रही है, और स्टार्टिंग प्राइस कैसा लग रहा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, एंड टाइम्स ड्राइव को ऐसे ही और कॉन्टेंट को देखते रहने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।